हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ। सो आज गोटे बहुत ही बड़ दिन आम एस्पिरेंट मानक बिकॉज आज विद्यादायिनी माँ सरस्वती पूजा और समस्ते तो पूजा सारी सारोनी एंड समस्त को अभिनंदन एंड मुझे भगवान बारे में प्रार्थना करी कि भगवान समस्त ड्रीम फुलफिल कर दिंतु बहुत जल्दी। आउ यूपीएससी भी आज भाई दिन में तुम मैं जो मैंने सिविल सर्विस ड्रीम लेके अच्छा से नोटिफिकेशन 2024 बाहर कर दीजिए। तो जमी कैलेंडर हिसाब से फेब्रुवरी मस तार नोटिफिकेशन आसवर था नोटिफिकेशन आसी जाइए। तो ये वीडियो रे मो नोटिफिकेशन रो जितने की मेन मेन पॉइंट अच्छी से गुड़ा डिस्कस करी। तो वीडियो को स्टार्टिंग रो एंडिंग वर्जन देखि जो व्हाट्स न्यू सेक्शन देखु ये व्हाट्स न्यू सेक्शन रे ही 2024 ये देख ये तले एग्जाम नोटिफिकेशन सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 क्लिक कला तुमको ये पीडीएफ मिल जाए डॉक्यूमेंट आउ लिंक भी मिल जाए अप्लाई करार। तो मुझे पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी तो मुझे तुमको देखेदेवि। हियर इज द पीडीएफ गाइस। तो मैंने ये देख ये सब जिनस अच्छी मुझे जितकी इंपोर्टेंट पॉइंट से गुड़ा तुमको सहित सेयर करदे राइट। स्टार्टिंग विथ आम जब देखा तो एप्लीकेशन आमर लास्ट डेट के ना लास्ट डेट आमर अच्छी जस्ट सेकेंड मुझे जूम करदे लास्ट डेट तुमने देख ये 5 तारीख 5 मार्च 5 जाए लास्ट डेट अच्छी बट लास्ट डेट पर्यंत वेट करिया दरकार नहीं। जो माने भी डिसाइड कर चो अप्लाई करिया पाई गो फॉर इट ओके। जो माने भी सिविल सर्विस पाई प्रिपरेशन कर चो देन अप्लाई करिया पाई upscionline.nic जोटा मु देखे थी सही तुमने अप्लाई कर पारे एंड देर इज एन ऑप्शन फॉर मॉडिफिकेशन जोटा आम समस्त जानचु कि गोटे 7 डेज विंडो ओपन हुए आफ्टर यू नो अप्लाई 5 तारीख पर गोटे 7 दिन मिल दैट मीन ये देख तुमने 6 मार्च रू नहीं 12 मार्च जाए जदि किसी भी भूल भाल हो तुम्हें से चेंज तुम्हें मॉडिफाई कर पार है एप्लीकेशन में ठीक अच्छे। एंड द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। तो विथड्रॉ कर पारे लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन जमी 5 मार्च 6 संध्या 6 जाए लास्ट डेट अच्छी बट आज कल भितर तुमने फर्म आज न पकेले ना कल भितर तुम फर्म पकई दि। नाउ नेक्स्ट पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर वी ऑलरेडी नो पेनल्टी रोचे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रिलिम रे प्रिलिम मेन्स इन इंटरव्यू आई थिंक तुम्हें समस्त एक्वेंटेड थी राइट। नेक्स्ट जो मैंने भी ये वर्ष नुआ पकाच से भलसे देखी दियो तुमने केमती कौन राइट तुम्हें भलसे देखी दियो ओके। एंड आम जा नेक्स्ट को जे फोटो वगैरह तो तुमने सब से गुड़ा सब जाच जस्ट सेकेंड मुझे तुमको देखा हाँ पोस्ट विषय आम कथा एंड हियर इट इज तुमने देखी पार्थ जे 1056 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी राइट विच इनक्लूड्स रिजर्व 40 वैकेंसीज अच्छी तुम जो PWD जो हुए 6 वैकेंसी ब्लाइंडनेस 12 एटा डिटेल देखिए राइट। एंड तुमने देखी पार्थ ये टोटल 21 पोस्ट अच्छी टोटल 21 पोस्ट खाली जे यूपीएससी सिविल सर्विस खाली IAS हुए सेमती ना ताभर IFS मैंने फॉरेन सर्विस पुलिस सर्विस ऑडिट अकाउंट सर्विस ग्रुप ए रत सारा ऑल इंडिया सर्विस सहित रोचे ओके। देन आम जा नेक्स्ट एलिजिबिलिटी विषय तो एज लिमिट को जीवा ओके एज लिमिट को जीवा एंड आई थिंक तुम समस्त जाच तुम गोटे सेकेंड रु 21 to 32 वर्ष हूँ तुम एज लिमिटा प्लान ऑफ एग्जामिनेशन भी देखी दिव समस्ते। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम अपीयर करियो तुम्हें जानवा दरकार गोटे प्रिलिम एग्जाम हुई जोटा हूँ खाली ऑब्जेक्टिव टाइप आउ से खाली गोटे स्क्रीनिंग टेस्ट टू बी क्वालिफाइड फॉर द मेन्स एग्जाम मेन्स एग्जाम एलिजिबल अच्छे कि नहीं चेक करने गोटे प्रिलिम एग्जाम होपर मेन्स एग्जाम जोटा कि सबकि डिसाइड कर मेन्स एग्जाम भितर रिटेन आउ इंटरव्यू रिटेन तो प्रिलिम आउ मेन्स स्टेज एक्चुअली 3 बिकज प्रिलिम पर मेन्स दुईटा स्टेज गोटे हूँ रिटेन स्टेज गोटे इंटरव्यू स्टेज सो से दुटा मार्क्स जो 20-25 टोटल बिकज तुम रिटेनटा हूँ 1750 मार्क है तुम इंटरव्यूटा हूँ 275 तो टोटल 2025 मार्क तुम रोच टोटल पेपरटा ठीक अच्छे। तो तुमने से हिसाब से निजी रेडी कर रख। नेक्स्ट एज लिमिट ये तुमने समस्त देखिपर एज लिमिट 21 वर्ष मिनिमम एंड 32 वर्ष मैक्सीम। तो तुमने देखी दि जे 1 अगस्त 2024 हूँ तगुरु देख एज ऑन 1 अगस्त 2024 दैट मीन्स द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1992 तो 2 अगस्त 1992 आगु जन्म होते आउ अलाउ कर एंड 1 अगस्त 2003 है अनरिजर्व कैटेगरी कथ पड़ी। तो आउ एज रिलैक्सेशन अच्छी जमी SC ST मानकर OBC मानकर ठीक अच्छे
डिफेन्स पाई सब एमती एज लिमिट सब देखे ओके सो एज लिमिट एटा समस्ते जान लो नेक्स्ट तुम प्रिलिमिनरी एग्जाम आउ मेन्स एग्जाम जो अच्छी ता विषय जान मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तुम ग्रेजुएशन कम्प्लीट हवा दरकार ओके एंड देन यू कैन सी तुम जो प्रोसेस अच्छे एग्जाम प्रोसेस ता विषय कथ हाँ ता आगर गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जे नंबर ऑफ अटेम्प्ट एटी अच्छे जे तुम जिते थर अच्छे सेत थर दे पारिबानी छटा अटेम्प्ट जमी आगर ही आसी छटा अटेम्प्ट अनरिजर्व कैटेगरी एंड रिलैक्सेसन अच्छी एससी एसटी अनलिमिटेड टाइम पर एज लिमिट जो अच्छी एज लिमिट सब नौटा अटेम्प्ट ओबीसी मानकर पीडब्ल्यू डी वगैरह पाई नौटा ठीक अच्छे एटा अच्छे तुम अटेम्प्ट्स रो राइट एंड हियर यू कैन सी वन थिंग दैट एन अटेम्प्ट एट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी डीम टू बी एन अटेम्प्ट इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो तुम जब प्रिलिम अटेंड कर दैट मीनस तुम गोटे अटेम्प्ट काउंट हो तेणु अटेम्प्ट भी वाइजली नाक पड़े ठीक अच्छे देन आम जा नेक्स्ट हूँ तुम जो एग्जाम प्रोसेस अच्छे एंड सिलेबस विषय टी देखीद सिलेबस को देखीद ठीक अच्छे आ बाकी या विषय बेस जिनस ना जो नॉर्मल रुहे सेमती अच्छी ठीक अच्छे तो मुझमन को नहीं जा लास्ट डेट सबमिशन तो ऑलरेडी कही सारी ओके एंड जस्ट अ सेकंड तुम्हारे जो अच्छी यस हियर इट इज तुम प्रिलिमिनरी एग्जाम रोच देन मेन्स एग्जाम आम ऑलरेडी कही सारी सर एंड हियर इट इज क्लीयरली मेनसन इज देख क्लीयरली मुझे कहूँ बिकज तुमने भलसे जान द कमिशन विल ड्रॉ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर द सिविल सर्विस मेन्स एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरियन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% जनरल स्टडीज पेपर टू ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ए टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द जनरल स्टडीज पेपर सो यहाँ कहते क्लारीटी एग्जाम देला बेल गोटे क्लारीटी रहा कि भाई तुमने जो पेपर देवाक जाऊ प्रिलिम्रे दुटा पेपर रोक पेपर वन एंड पेपर टू पेपर टू पेपर वन हो जीएस पेपर टू टाइम सी सैट कहते सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो थे मैथ रिजनिंग और इंग्लीश रोच ओके तो जो जो पेपर टू अच्छी से 33% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ऑलरेडी तुमको कमिशन जन दौर ठीक अच्छे बाकी सब कमिशन जना तो से कहली कि ये जन दी सब एंड ये यू सी तुमने से डिटेल जिनसटा ये देख जे दुईटा कंपलसरी पेपर 200 मार्क गोटा पेपर बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहा जनरल स्टडीज पेपर टूटा जोटा रहा 33% क्वालिफाइंग पेपर टा पेपर वन हो तुम कट ऑफ डिसाइड कर पेपर इंग्लीश आउ हिंदी सेट हम है एंड सिलेबस तले अच्छे तापर तुम देख नेक्स्ट जो अच्छी आम मेन्स एग्जाम मेन्स जो मैंने प्रिलिम क्वालिफाई कले मेन्स एग्जाम दुईटा क्वालिफाइंग पेपर रोक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को लैंग्वेज पेपर कहते फर्स्ट पेपर टा तुम देख जो एट स्केड्यूल जो 22 लैंग्वेज हो 22 जो लैंग्वेज आम अच्छी ओडिया भी तुम ओडिया तुम ओबियसली आम ओडर तो ओडिया चूज कर तो ओडिया तुम दे पार 300 मार्क गोटे आउ गोटे इंग्लीश रोक है यहाँ हूँ क्वालिफाइंग इन नेचर देन तुम देख 4 तुम जीएस रहा टोटल तुम ये देख 250 करके मार्क रुम ऑप्शनल सह देख फर्स्ट पेपर टाइम एस ए बाकी 4 जीएस 1, 2, 3 आउ 4 मैंने एथिक्स इंटीग्रेटी तापर ऑप्शनल हूँ तुम पेपर वन 250 आउ पेपर टू भी तुम 250 तो तुम देख ये टोटल तुम 1750 मार्क जोटा कहते हैं 275 हूँ पर्सनल डिटेल्स मैं इंटरव्यू टोटल 225 मार्क हूँ तुम पेपर है 225 मार्क रु डिसाइड हम तुम कौ कौ मानने ये एलिजिबल कौ मैंने आईएएस या आईपीएस या आईएफएस से तुम से देखा राइट बाकी आई होप तुम मैंने समस्ते सिलेबस जाच जदि जाण नी ये तुमको थोड़े देखेदेक चाहिए पार्ट ए रे एटी डिटेल सिलेबसटा दे देख तो सिलेबस पेपर वन जो रेपर वन करेन्ट इवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल दैट मीन करेन्ट अफेयर रहा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मोमेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मोमेंट हिस्ट्री रहा इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायत राज पब्लिक पॉलिसी राइट्स इश्यूज देन इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट रहा पॉवर्टी इनक्लूजन डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ओके देन जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड देन जनरल साइंस तो टोटल तुम ये 7 पार्ट रहा पेपर वन एंड देन पेपर टू जो रहा पेपर टू में तुमको जमी कहली तुम मैथ रिजनिंग लाइक इंग्लीश रहा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल रहा लॉजिकल रीजनिंग डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरिक्स ओके ये भी से जिन क्लीयर कराई 33% यूनिट टू ओके
देन तुम पार्ट बी रे जो अच्छी डिटेल देखिए क्वालिफाइंग पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेज कमी रहा कंप्रिहेंशन प्रीसी राइटिंग यूसेज शॉर्ट एसे एंड डिटेल्स आर हियर सो तुम भलसे सिलेबस को देख एंड तुम जो मैंने फर्स्ट टाइम अपीयर कर भलसे सिलेबस को देखिए भलसे अपीयर मानने अप्लाय कर राइट सो यहाँ थी डिटेल मो आड़ू तुमको एंड जो मैंने भी अप्लाय करने को चाहो गो फॉर इट गाइज अप्लाय करनी तुम समस्त को ऑल द बेस्ट ओके सो डू शेयर दिस वीडियो एंड जो मैंने फर्स्ट टाइम अच्छा डू सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।